नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वुक न्यूज। मेक इन इंडिया और डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी नौसेना के जहाज चार्ल्स ड्रू रविवार को चेन्नई के कुटुपल्ली में लॉर्सन एंड टोबो शिपयार्ड में मरम्मत और संबंध सेवाओं के लिए पहुंचे। जानते हैं आप ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जिसने ये इनिशिएटिव हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया था आत्मनिर्भर भारत का। तो आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर कैसे कनेक्टेड है इससे, तो आपको समझा दें कि किस तरीके से दूसरी कंट्रीज इंडिया में आकर के हमसे हेल्प ले रही हैं, तो ये दर्शाता है कि कितना आत्मनिर्भर भारत अब बन चुका है। एक आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार ये भारत में अमेरिकी नौसेना के जहाज की पहली मरम्मत है। अमेरिकी नौसेना ने जहाज के रखरखाव के लिए कुडुपल्ली में एलएन एंटिटी के शिपयार्ड को एक अनुबंध दिया था। ये आयोजन वैश्विक जहाज मरम्मत बाजार में भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं का प्रतीक है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु और पुडुचेरी नेवल एरिया रियर एडमिरल S वेंकट रमन और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पोत का स्वागत करने के लिए शिपयार्ड का दौरा किया। चेन्नई में अमेरिकी दूतावास के महावाणिज्य दूत जुड़ित रेविन और नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास में रक्षा अताशे रियर एडमिरल माइकल बेकर भी उपस्थित थे। इस आयोजन को भारतीय जहाज निर्माण उद्योग और भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए एक लाल पत्र दिवस के रूप में करार देते हुए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, हमें वास्तव में अमेरिकी नौसेना के जहाज USNS चार्ल्स ड्रू का भारत में स्वागत करने के लिए, उनकी यात्रा को तैयार करने के लिए स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में भी भारत की पहल का विशेष महत्व रखता है ये पहला कार्य। ये गहरे जुड़ाव के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर अजय कुमार ने मरम्मत के लिए USNS चार्ल्स ड्रू के आगमन को भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के परिपक्व होने का संकेत बताया। उन्होंने कहा, आज भारत में लगभग $2 अरब के कारोबार के साथ 6 प्रमुख शिपयार्ड हैं। हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए जहाज बना रहे हैं, बल्कि हमारा अपना डिजाइन हाउस है जो सभी प्रकार के अत्याधुनिक जहाज बनाने में सक्षम है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के विकास का एक चमकदार उदाहरण है। नए इनोवेशन इकोसिस्टम के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और हमारे कुछ स्टार्टअप द्वारा स्वायत्त मिशन करने में सक्षम जहाजों का निर्माण किया गया है। जहाज निर्माण उद्योग आज न केवल पारंपरिक चीजों को अंजाम दे रहा है, बल्कि उसके साथ नवीनतम तकनीकों को भी मिला रहा है। अब आगे देखने वाली ये बात होती है कि क्या हम यहाँ थम जाते हैं टेक्नोलॉजी में, या आगे और बढ़ करके हम और मरम्मत का काम कर सकते हैं। बिकॉज आप ये पहचानने की कोशिश करें कि एक मरम्मत से इंडिया, और किस तरीके से जो इंडिया का इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था आत्मनिर्भर भारत का, वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।